पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जब अमलो पुलिस द्वारा नाकेबंदी के दौरान दो कारों में से 2.5 क्विंटल भुक्की सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार हुए दोनों कथित आरोपी बाप और बेटा बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान से भुक्की लाकर पंजाब में बेचा करते थे। इस मामले में DSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अमलो के SHO द्वारा इस मुलाजम के साथ मिलकर नाकेबंदी की गई, जहां से ये कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल DSP का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त हुई अमलो पुलिस को, SHO साहब ने, SHO साहब बधाई के पात्र ने, इन्होंने इन्फॉर्मेशन आई कि इन्होंने रिकवरी की है 250 किलो भुक्की चूड़ा पोस्ट। टोटल दो दोषी है, एक दोषी तो मौके तो रात की गल सी, रात 1:30 बजे जी नेरे का फायदा चुक के भज गया। दोवें प्यो पुत ने इन्हें एक पहला भी इन्हें राजस्थान से परचा दर्ज है भुक्की का, इन्होंने वो असं कढ़वा रहे भी किन्ने किलो का की उस की बनया कितने इन्वेस्टिगेशन खड़ी है, उन्होंने दर्ज है। तो रात सू कोई इनफोरमेशन आई जो उन्होंने गड्डिया की तलाशी ली गई तो उसके चो दो गड्डिया से एक ऑल्टो सी सिल्वर रंग की, एक मारुति सी। ऑल्टो चो निकलियाँ जी चार बोरियाँ भुक्की चूड़ा पोस्त, तो जी दूजी सी मारुति उस छे बोरिया, जी मारुति से वो जो परमिंदर सिंह फड़िया गया वो चला रहा है, तो जोड़ा सिल्वर ऑटो आ प्यो तेज बहादुर चला रहा है। किन्नी क्वांट 250 किलो टोटल है, 25-25 किलो दिन 10 बोरिया ने दोवे गड्डिया कि जगह तो फड़ा जाए। इस जी कन्निया रोड है, वो कन्निया रोड जी हाँ कितों लेके आ रहे थे जी? ये राजस्थान और मलोह ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ 15-85 NDPC।